सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 10, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, स्टेट टू फीचर ऑफ इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का आपको जो है दो फीचर बताना। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवादी। आंसर है इसका कि इंपेरियलिज्म रिफर्स टू द स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल नेशन एस्टेब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री आइदर बाय डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन और बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। तो इंपेरियलिज्म होता क्या है? इंपेरियलिज्म वो पॉलिसी होती है स्टेट की जो कि प्रैक्टिस करती है, एक पावरफुल नेशन प्रैक्टिस करती है इसको, वो अपना इस्टेब्लिश करती है कंट्रोल दूसरे कंट्री के ऊपर डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन पे आक्रमण वगैरह करके, कंपेयर करके, या फिर किसी तरह से राजनीतिक तौर पे या आर्थिक तौर पे अपना कंट्रोल गेन करके। क्वेश्चन नंबर टू है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्रांसो जर्मन रेवलरी। तो फ्रांसो जर्मन रेवलरी का जो है कॉज क्या था? तो इसका आंसर है कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई जर्मनी इन 1870-71 एंड कंसिक्वेंटली हर टू प्रोविंसेस ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन वेर टेकन अवे फ्रॉम हर। जर्मनी वॉज नॉट रेडी टू रिटर्न देम एट एनी कॉस्ट एंड दिस जनरेटेड अ स्पिरिट ऑफ रिवेंज अमंग द फ्रेंच पीपल। अगेन देयर इंपेरियलिस्टिक डिजाइन क्लैश्ड इन मोरक्को इन अफ्रीका वेयर बोथ वॉन्टेड टू सीज मोरक्को, दस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम बिकेम क्वाइट इनएविटेबल। फ्रांस को देखो डिफीट मिला था जर्मनी के द्वारा 1870 से लेकर 71 में, और इसकी कॉन्सिक्वेंस में दो प्रोविंसेस जो थे एल्सेक और लोरेन वो उससे ले लिए गए थे। जर्मनी जो है कि रिटायर नहीं करना चाहता था किसी भी कॉस्ट पे, और इसकी वजह से एक बदले की आग आ गई फ्रेंच पीपल के अंदर, और फिर से एक जो है कि साम्राज्यवादी जो सोच चल रही थी सबके अंदर, उसकी वजह से एक क्लैश हुआ है ना इन मोरक्को इन अफ्रीका, जहां पे दो के दोनों जो है चाहते थे कि मोरक्को को अपने कब्जे में ले लें। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है इनेविटेबल, मतलब अटल हो गया, मतलब कोई रोक नहीं सकता था उस कॉन्फ्लिक्ट को। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि व्हाट वाज कॉज ऑफ एंग्लो जर्मन राइवलरी। कि अब ये जो एंग्लो जर्मन राइवलरी यानी इनके बीच में जो कॉम्पिटिशन था उसका क्या कॉज था? तो जो जर्मन थे कंस्ट्रक्टेड ह्यूज शिप एंड स्टार्टेड वाइडनिंग द कील कैनाल विच पोज्ड अ चैलेंज टू इंग्लिश नेवल पावर। द इंग्लिश वांटेड टू मेंटेन हर नेवल सुप्रीमेसी ओवर द सी एट ऑल कॉस्ट, दस दिस रिजल्टेड इन अ रेस बिटवीन द टू कंट्रीज टू इंक्रीज देयर नेवल पावर। जो जर्मन थे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जहाज, और स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कील कैनाल को चौड़ा करना, वाइड करना, ये चैलेंज हो गया था इंग्लिश नेवल पावर के लिए। तो इंग्लिश चाहते थे कि वो मेंटेन करे अपना सुप्रीमेसी नेवल पावर में पूरे सारे समुद्र के ऊपर, किसी भी कॉस्ट के ऊपर पे कोई भी कीमत चुकानी हो। तो इसी के लिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है ये इनके बीच में जो है कि कंपटीशन होने लगा है ना अपना नेवल पावर इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर है कि देम द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ द ट्रिपल एलियंस। जो ट्रिपल एलियंस थे इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, और स्टेट द राइवल ब्लॉक दैट वॉज फॉर्म्ड एंड सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ दैट ब्लॉक। तो बोल रहा है कि यहाँ पे राइवल ब्लॉक कौन सी फॉर्म हुई थी, ये जो एलियंस बना था ट्रिपल एलियंस उसके खिलाफ। तो पहले ट्रिपल एलियंस में देखते हैं कंट्रीज कौन कौन सी सिग्नेटरी हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। तो ये तीन कंट्रीज थी जिन्होंने कि साइन किया था। राइवल ब्लॉक जो इसके खिलाफ पैदा हुआ वो हुआ दैट वॉज ट्रिपल एंटेंट, और इसमें जो है तीन कंट्रीज जिन्होंने साइन किया वो ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव है हाउ डिड सारायेवो क्राइसिस इन 1914 लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि सारायेवो का जो क्राइसिस था किस तरह से 1914 में लीड किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, मतलब पहल हुई। तो देखो जो द ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड वॉज मर्डर्ड इन द बोस्नियन कैपिटल ऑफ सारायेवो ऑन जून 28, 1940। ऑस्ट्रियन प्रिंस जो थे उनका मर्डर हो गया था बोस्नियन कैपिटल ऑफ सारायेवो में 28 जून 1914 को, और ये जो मर्डर था वाज अ सर्बियन, ये मर्डरर जो था सर्बिया का था। दस ऑस्ट्रिया पुट ब्लेम ऑन सर्बियन गवर्नमेंट फॉर दिस क्राइम एंड अनसर्टेन अल्टीमेटम। तो ऑस्ट्रिया जो है ब्लेम पुट कर दी सर्बियन के ऊपर और गवर्नमेंट के लिए इस क्राइम के लिए अल्टीमेटम भेज दी, मतलब आखिरी प्रस्ताव, आखिरी वार्निंग। सर्बिया ने वॉयलेट किया अपना सोवरेनिटी, और इसमें क्या हुआ
यानी कि स्वतंत्रता जो है उसकी, उसको उसने वायलेट किया, और कॉन्सिक्वेंटली इसके रिजल्ट में ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया एक वॉर, डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट सर्बिया ऑन जुलाई 28, 1914 विद इन नो टाइम। और ये जरा सा भी टाइम नहीं लगा, ये जो है वॉर है ये रिजल्ट आउट हुआ और ये जो है आपका समाप्त हुआ, ये इसमें रिजल्ट किया, क्या नाम है, वर्ल्ड वॉर में, है ना, टर्न कर गया, ये जो दो कंट्रीज के बीच की वॉर थी ये टर्न कर गया आपका वर्ल्ड वॉर में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच कंट्री वॉज ब्लेम्ड फॉर द एसोसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, किस कंट्री को ब्लेम किया गया था, दैट वॉज सर्बिया, है ना। फिर विच कंट्री डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, तो दैट वॉज ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया जुलाई 28। नेम टू कंट्रीज विच सपोर्टेड ऑस्ट्रिया, तो दो कंट्रीज कौन सी हैं जो सपोर्ट किया ऑस्ट्रिया को, तो वो थी फ्रांस और जर्मनी और नॉर्दर्न फ्रांस। व्हाई डिड ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी इन 1914, ब्रिटेन ने क्यों वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी के ऊपर 1914 में। तो देखो था क्या कि जर्मनी हैड अटैक्ड बेल्जियम, जर्मनी ने अटैक किया हुआ था बेल्जियम को, दस इंग्लैंड वॉज कॉम्पेल्ड टू ज्वाइन द वॉर ऑर्डर टू सेफ गार्ड द बेल्जियन न्यूट्रलिटी एंड हर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसीलिए इंग्लैंड को जो है कि कॉम्पेल किया गया कि नहीं आप जो है कि इस वॉर को ज्वाइन करिए ताकि आप सेफ गार्ड कर पाए बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को और अपने खुद के राजनीतिक जो है इंटरेस्ट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। तो इसलिए इंग्लैंड जो है कि एंटर किया था वॉर में। नेम फाइव मेजर पावर हु गॉट इन्वॉल्व इन हॉस्टिलिटीज इन 1914। तो अब यहाँ पे आपको बताना है हॉस्टिलिटीज का मतलब क्या होता है, युद्ध की स्थिति। तो पांच मेजर पावर जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे युद्ध वाले में, तो उस कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई इज द वॉर फॉट बिटवीन 1914 एंड 1918 कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो वॉर है बिटवीन 1914 एंड 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट फॉट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, एक बड़े पैमाने पे लड़ा गया वर्ल्ड वाइड स्केल पे, एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड और पूरी और मतलब बहुत अंदरूनी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया सारे के सारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज थे सबको जो है डीपली इन्फ्लुएंस किया, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाई, कौन सी कंट्री थी जो विड्रू कर ली अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और क्यों। तो देखो ये कंट्री रशिया थी जिसने विड्रू किया था अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि जो रशियन एम्पायर था उसने सफर किया था सीरियस रिवर्सेस इन द वॉर, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस जो है रिवर्सेस मिला था वॉर के अंदर। अब ये था कि ओवर कितना दिया हुआ है, 60 लाख रशियन सोल्जर जो है इसमें बहुत ज्यादा मतलब इनको झेलना पड़ा था रिवर्सेस का मतलब, और ये कीमत क्या थी, देखो 60 लाख रशियन सोल्जर्स मर गए थे। और इसके बाद इस दिन के बाद द डे आफ्टर बोल्शेविक गवर्नमेंट केम टू पावर, इसके बाद जब जो बोल्शेविक गवर्नमेंट पावर में आई अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, लेनिन के लीडरशिप में, तो उसने इश्यू किया द इश्यूड द डिक्री ऑन पीस विद प्रपोजल टू एंड द वॉर विदाउट एनी एनेक्सेशन एंड इंडेमनिटीज। तो उसके बाद जब बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है पावर में आई लेनिन के लीडरशिप में, तो उसने ये डिक्री यानी एक ऑर्डर पास कर दिया, शांति का प्रस्ताव था वो कि वॉर को तुरंत एंड किया जाए बिना किसी एनेक्सेशन के, एनेक्सेशन मतलब फर्दर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा और बिना किसी इंडेमनिटीज के, यानी कि बिना किसी ही जो है वो और नुकसान पहुंचाए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस रेफर टू एग्रीमेंट मेड विथ जर्मनी हु वाज ब्लेम्ड फॉर इम्पोजिंग अ वॉर ऑन द एलाइज। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है एग्रीमेंट जो जर्मनी के साथ बनाया गया था, जिसको ब्लेम किया गया था कि इसी ने पहल की है वॉर की ऑन द एलाइज। ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 28 जून 1919 इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेलिस, इन द हॉल ऑफ मिरर में 28 जून को 1919 को इसको ट्रीटी को साइन किया गया था। नेम द कंट्री विच इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड पावर आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद कौन सी कंट्री है जो जो है वर्ल्ड पावर की में इमर्ज की तरह इमर्ज की। व्हाट हैपेंड टू द ऑस्ट्रियन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ऑस्ट्रियन एम्पायर का क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
द यूएसए इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो यूएसए इमर्ज हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी वेयर ब्रोकन अप एंड टू सेपरेट किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वेयर सेट अप. तो ऑस्ट्रिया हंगरी का ब्रेक कर गए और दो सेपरेट किंगडम निकले. ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया को क्या करना पड़ा, ऑस्ट्रिया को सीड करना पड़ा, मतलब सौंपना पड़ा सारे के सारे टेरिटरीज टू जेकोस्लोवो स्लोवाकिया, ठीक है, यूगोस्लेविया एंड पोलैंड, एंड वाज फोर्स टू एक्सेप्ट देयर इंडिपेंडेंस. ये काफी टिपिकल होता है ये वर्ड प्रोनाउंस कर पाना. तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि सौंप दिया था ये सारा का सारा टेरिटरी, और उसको फिर फोर्स किया गया कि इनकी आजादी को, यानी ये जो जेकोस्लोवेकिया है, यूगोस्लाविया और पोलैंड है, इनकी आजादी को ये ऑस्ट्रिया जो है एक्सेप्ट करे. क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. भाई क्या रिजल्ट हुआ भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हम देखते हैं. फर्स्ट वन है लॉस ऑफ लाइफ, द कॉस्ट इन हार्ड क्रैश. लॉस ऑफ लाइफ, द लॉस ऑफ लाइफ वॉज टेरिबल एंड शॉकिंग इंडीड. बहुत, मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत ही टेरिबल था. अबाउट 8 लाख पीपल वेर वाउंडेड एंड मेनी वेर रेंडर्ड इनवैलिड फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ. 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई. रेंडर्ड का मतलब होता है, रेंडर्ड इनवैलिड का मतलब होता है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कह सकते हो आप सेंस में, कि मतलब वो पूरी जिंदगी के लिए जो है कि कोई काम धाम करने के लायक नहीं बचे बिल्कुल. द कॉस्ट इन हार्ड क्रैश, टोटल एक्सपेंसेस इन द वॉर वॉज अबाउट डॉलर, कितना डॉलर बेटा, 18 करोड़ 60 लाख डॉलर. नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैड टू डील विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर इयर्स एंड ईयर. कई साल तक देश को क्या करना पड़ा, कई देश को, नेशंस को जो है प्रॉब्लम के साथ चलना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ. क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द कॉलोनियल पोसेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. अब देखो क्या इफेक्ट हुआ, कॉलोनियलिज्म तो चल ही रहा था, हमारे यहाँ भी कॉलोनियलिज्म था, है ना. तो अब यहाँ पे यही पूछ रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी तो उसी तरह से पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट हुआ कॉलोनिज्म, कॉलोनियल पोसेशन के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने कर रखा था. तो देखो जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज एंड पोसेशन टू ब्रिटेन. तो जर्मनी सारा का सारा खो दी पोसेशन और वो सारा कॉलोनीज ब्रिटेन को, फ्रांस एंड बेल्जियम, और ये तीनों ब्रिटेन फ्रांस और बेल्जियम के हाथों चला गया. टोगोलैंड एंड कैमरून जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, वो वेयर पार्टीशन बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस. ये जो एरिया था कैमरून टोगोलैंड का, ये बंटवारा हो गया ब्रिटेन फ्रांस के बीच में. फर्दर द जर्मन ईस्ट अफ्रीका वॉज शेयर्ड बिटवीन ब्रिटेन एंड बेल्जियम. और इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट था वो तो वेस्ट अफ्रीका का पार्ट था टोगोलैंड कैमरून, और यहाँ ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट था वो शेयर हुआ ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में. हाउएवर जो एलाइड पावर्स थी ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम हेल्ड दिस टेरिटरीज एज मैंडेटरीज ऑफ द लीग ऑफ नेशन. तो इसको हेल्ड किया गया था कि ये मैंडेटरी है, जरूरी है लीग ऑफ नेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ वॉज डेनमार्क अफेक्टेड बाई द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. तो डेनमार्क किस तरह से जो है कि अफेक्टेड हुआ, तो डचेस फॉर स्लेजविक एंड होल्स्टीन वेयर कैप्चर्ड बाई प्रशिया फ्रॉम डेनमार्क इन 1864 वेयर रिटर्न टू डेनमार्क आफ्टर अ लैप्स ऑफ अबाउट 55 ईयर. क्या इफेक्ट पड़ा, तो दो डचेस थे और स्क्लेजविक थे और होल्स्टीन थे जिनको कैप्चर किया गया था प्रशिया के द्वारा फ्रॉम डेनमार्क, डेनमार्क से 1864 में उनको बाद में वापस किया गया, लैप्स ऑफ 55 साल बाद उनको वापस किया गया. क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन फॉर्म, लीग ऑफ नेशन कब बना था. तो लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920, और ये क्यों बना था, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बना था, प्रमोट करने के लिए और अचीव करने के लिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी भी. क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट एनी टू एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन. दो एम बताने लीग ऑफ नेशन के. तो द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 विद इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड. तो हेडक्वार्टर कहाँ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. 1920 में फॉर्म हुआ था लीग. जो इस्टेब्लिश हुआ था वो इस्टेब्लिश यानी बना था प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को. बिसाइड प्रिवेंशन ऑफ वॉर, वॉर से रोकने के अलावा कुछ और एम्स थे लीग के, वो कौन कौन से थे. मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्यू यानी कि सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पीस कॉन्फ्रेंस.
सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज और प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मैंडेट सिस्टम, यानी कि जो जरूरी सिस्टम है उसको जो है करने के लिए, और जो नेशनल माइनॉरिटीज है यानी जो कम संख्या में है या छोटे हैं उनके लिए उनका प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें इनका जो है कि वॉर को रोकने के अलावा भी ये सारी चीजें इनकी जिम्मेदारी थी, मतलब इन सब चीजों के लिए ये बनाया गया था। 18th नंबर है कि नेम टू मेजर कंट्रीज विच वेर नॉट अलाउड टू बिकम द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। दो कंट्री जिसको कि लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनने दिया गया, दैट वाज द वो जर्मनी थी और सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेम द कंट्री विच विथड्रू फ्रॉम द ट्रिपल अलायंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि दैट वाज रशिया। हाउ मच डिड जर्मनी हैव टू पे एज वॉर रिपेरेशन चार्जेस अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। कितना पैसा पे करना था जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अकॉर्डिंग, तो दैट वॉज 33 बिलियन डॉलर। When did the First World War break out? कब हुआ था First World War? 28 जुलाई 1914। क्वेश्चन नंबर 22 है कि what did France gain from the Treaty of Versailles? फ्रांस को क्या फायदा हुआ? फ्रांस ने क्या गेन किया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से? तो आंसर है कि द कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार वेयर सीडेड टू फ्रांस फॉर 15 इयर्स एंड द एरिया वाज टू बी गवर्नड बाय द लीग ऑफ नेशंस। जो कोल माइन का एरिया था जर्मन का जिसको सार कहा जाता था, वो सौंप दिया गया फ्रांस को 15 साल के लिए, और ये एरिया गवर्न होगा लीग ऑफ नेशन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हाई वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश, बनाया क्यों गया था? तो भाई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं दैट वाज क्रिएटेड, और लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, शांति और सुरक्षा, सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन पीसफुल मैनर। अगर इंटरनेशनल तौर पे दो कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा शांति से सुलझा सकें, टू फोर्स इट्स मेंबर नॉट टू रिजॉल्व टू वॉर, अपने मेंबर्स को फोर्स करना कि भाई कोई वॉर वाली स्थिति शुरुआत ना करो, टू टेक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एरिंग कंट्री, इकोनॉमिक आर्थिक और मिलिट्री वाले एक्शन लेना उस कंट्री के खिलाफ जो कंट्री गलत हो, एरिंग कंट्री। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सबसे इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? तो आंसर इसका कि जो ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड वाज मर्डर्ड इन बोस्नियन कैपिटल ऑफ साराजेवो ऑन 28 जून 1914। तो ऑस्ट्रियन प्रिंस का कत्ल कर दिया गया था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का बोस्नियन कैपिटल ऑफ साराजेवो में 28 जून 1914 को, और ये मर्डर करने वाला ही वॉज अ साइबेरियन। दस ऑस्ट्रिया पुट ब्लेम अल्टीमेटम, तो ऑस्ट्रिया ने एक ब्लेम अल्टीमेटम दे दिया। सर्बिया ने हाउएवर रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई विथ सम ऑफ द कंडीशन, उसने सर्बिया ने जो है स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया स्वीकार करने को इसको कुछ कंडीशन के साथ, और ये उसकी जो है कि स्वतंत्रता को जो है ठेस पहुंचा रहा था। तो कंसिक्वेंटली इसके रिजल्ट में ऑस्ट्रिया ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को, और टाइम नहीं लगा ये वॉर जो है वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेंशन करो तीन टर्म्स बताने हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के। तो पहला टर्म ये था कि ट्रीटी डिक्लेयर की थी जर्मनी को गिल्टी ऑफ एग्रेशन, यानी कि इसी ने जो है पहल करवाई थी, आक्रामकता इसी ने बरती थी। शी हैड टू पे 33 मिलियन डॉलर एज वॉर इंडेमनिटी टू द एलाइज, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा 33 मिलियन जो है मुआवजा देना पड़ेगा, वॉर इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है मुआवजा। एरिया ऑफ द राइन वैली वॉज टू डीमिलिटराइज, तो राइन वैली का जो एरिया है वहां से अपनी मिलिट्री हटा लेना है। फिर कोल माइन इन द जर्मन एरिया कॉल्ड स्टार वॉज सीडेड टू फ्रांस फॉर 15 ईयर एंड द एरिया वॉज टू बी गवर्न बाई लीग ऑफ नेशन। तो कोल माइन का जो एरिया था जिसको सार कहते थे जर्मनी का, उसको सौंप दिया गया फ्रांस को 15 साल के लिए, और वो गवर्न होगा किसके द्वारा, लीग ऑफ नेशन के द्वारा। हाउ वॉज मिलिटेंट नेशनलिज्म अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो किस तरह से मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज था। तो मिलिटेंट को बोलते हैं ना, एक तरह का होता है ये उग्रवादी होते हैं, थोड़े से उग्रवादी नेशनलिज्म होता है इसका मतलब। मिलिटेंट नेशनलिस्ट हेल्प द लीडर एंड रूलर इन सक्सीड इन फाइंडिंग हेट्रेड एंड पैशन अंडर द कवर ऑफ नेशनलिज्म।
अब ये जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे ये मदद कर रहे थे नेताओं की और रूलर की कि और ताकि वो सक्सीड कर पाए बढ़ाने में, है ना, हवा देने में, हेट्रेड और पैशन को, नफरत को और पैशन को, जुनून को, है ना, नेशनलिज्म की छत के नीचे। लव ऑफ वंस ओन कंट्री डिमांडेड हेट्रेड फॉर अदर, है ना, अपने से मोहब्बत यानी दूसरे से नफरत। फ्रांस वॉन्टेड टू गेट हर प्रोविंसेस ऑफ एलस एलसेक एंड लोरेन फ्रॉम जर्मनी एट ऑल कॉस्ट। फ्रांस को तो चाहिए था भाई मेरा जो प्रोविंस गया एलसेक और लोरेन, हमको किसी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे चाहिए जर्मनी से। इसीलिए हर कंट्री जो है चाहती थी इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंसी के साथ एंड अ पावरफुल स्टेट भी होना चाहती थी। हाउ डिड इंपेरियलिस्टिक राइवलरी क्रिएट हेट्रेड अमंग नेशंस। अब इंपेरियलिस्टिक जो थे साम्राज्यवादी जो सोच थी, साम्राज्य मतलब बढ़ाना, अपने आप को आगे रखना, ये रेस जो है क्रिएट हुआ, बहुत सारे कंपटीटर आए, तो ये इससे नफरत कैसे हुई नेशंस के अमंग में। तो देखो आंसर है कि ब्रिटेन हैड क्रिएटेड अ वास्ट ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका एंड ग्रो रिच फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। ब्रिटेन ने बड़ा सा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर खड़ा कर लिया था एशिया और अफ्रीका में, और वो बढ़ता चला जा रहा था फॉरेन ट्रेड के द्वारा, हमारे इंडिया में भी तो था ही। अदर कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड, इटली एंड यूएसए, वो भी चाहते थे कि यार एक्वायर करे कॉलोनी, कहाँ की कॉलोनीज एक्वायर करे एशिया और अफ्रीका में। दिस लेड टू अ स्क्रैम्बल फॉर द कॉलोनीज। स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष, है ना, फॉर कॉलोनीज देयर फॉर राइवलरीज एंड वॉर्स। तो इसीलिए जो है अब लोग संघर्ष करने लगे कॉलोनीज के लिए, लड़ाई करने लगे, कॉम्पिटिटर बनने लगे और वॉर चालू हो गई, विच फाइनली कल्मिनेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि कल्मिनेटेड का मतलब एंड अप हुआ विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सारी चीजें जो है एंड अप हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ, यानी कि इनका जो रिजल्ट था वही रिजल्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाउ वाज नेशनलिज्म अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो नेशनलिज्म किस तरह से कॉज हो सकता है भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नेशनलिज्म मींस द बिलीफ दैट योर कंट्री इज बेटर देन द अदर। देखो पहली बात नेशनलिज्म यानी ये देशभक्ति वाली, यार मेरा देश अब दूसरे के देश से अच्छा है। दिस मीन नेशन एजल्टिव एंड एग्रेसिव, और इसके लिए नेशन जो है एजल्टिव रहेगा और एग्रेसिव रहेगा। एजल्टिव का मतलब होता है अपनी बात से ना टलना, एजल्टिव मतलब हठधर्मी, दैट इज मीन, और एग्रेसिव का मतलब तो आप जानते ही हो। नेशनलिज्म प्लेड अ ह्यूज रोल इन वर्ल्ड वॉर वन एग्जिस्टेंस। कैसे, आगे देखते हैं। इट इज नॉट ओनली कॉज ऑफ एसेसिनेशन ऑफ द आर्क ड्यूक। ये सिर्फ एसेसिनेशन से नहीं हुआ आर्क ड्यूक के, जो कि आपका सारा जो में हुआ था, बट जर्मनी वॉजंट फुली रिकॉग्नाइज बाई द अदर कंट्रीज एज टफ कंट्री कंपटीटर एंड जर्मन पीपल वॉन्टेड टू बी अ रियल फोर्स इन द वर्ल्ड अफेयर। अब भाई जर्मनी को लगता था कि ये पूरी दुनिया मुझे नहीं पहचान रही है, टफ कंपटीटर नहीं मान रही है, और जर्मनी के लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया के मामले में हम क्या हो, एक रियल फोर्स हो पूरी दुनिया के मामले में। तो नेशनलिज्म वाज आल्सो हाउ ऑफ इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब आपको पहले ही समझाया जा चुका है, साम्राज्यवादी। एंड इफ वाई इज ही नीड फॉर द इफ हाँ और वाई इज ही नीड फॉर रिसोर्सेज, और क्यों चाहिए था ये चीज, रिसोर्सेज के लिए चीज चाहिए था भाई। जितना ज्यादा आप कंट्री कैप्चर करते जाओगे उतनी ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह आपकी सारी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाउ डिड द रेस ऑफ आर्मामेंट कंट्रीब्यूट टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रेस ऑफ आर्मामेंट था अपने आप को जो है कि आर्मफुल करना, यानी नए नए वो हथियार वगैरह बनाना। तो ये जो रेस था किस तरह से इस रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट किया। जर्मनी बिगेन टू बिल्ड अ पावरफुल नेवी विद अ व्यू टू अचीव पैरिटी विद ब्रिटेन। अब जर्मनी ने क्या किया भैया, जर्मनी चाहता था कंपटीशन करना किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। तो उसने कंपटीशन के लिए भाई अचीव करना था उसको पैरिटी, है ना, पैरिटी मतलब समानता कह सकते हो आप, कि हम भी बराबरी में आ जाए ब्रिटेन के। तो इसलिए वो नेवल आर्मी जो है अपनी नेवी वाली आर्मी मजबूत करने लगा। सच एन इवेंट कॉल्ड फॉर अ सीरियस कंसर्न ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब भाई देखो वो अपने आप को मजबूत करने लगा तो बाकी कंट्रीज ने देखा भाई कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है। इसके रिजल्ट में कंसिक्वेंटली इट लेड टू आर्म्स रेस बिटवीन द राइवल ग्रुप्स। राइवल ग्रुप्स के बीच में जो है कि आर्म रेस हो गया, लोग जो है कि सब अपने आप को मजबूत करने में लग गए, विच प्रूव टू बी वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसीलिए ये जो है कि एक मुख्य कारण हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिक इन हिस्ट्री। बहुत ही यूनिक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तीन कॉजेज बताने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो तीन कॉजेज में देखो क्या है, हम लोग ऑलरेडी छोटे छोटे आंसर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं।
मिलिटेंट नेशनलिज्म था, आर्मामेंट रेस था और स्प्लिट ऑफ यूरोप था दो आर्म्ड कैंप्स में, एक ट्रिपल अलायंस और एक ट्रिपल एंटेंट। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट वाला आपको बता ही थे, उग्रवादी टाइप के नेशनलिज्म, उग्रवादी टाइप का नेशनलिज्म। एक इम्पॉर्टेंट कॉज था वॉर का वॉज मिलिटेंट नेशनलिज्म और कॉम्पिटेटिव पैट्रियोटिज्म, यानी कि बराबरी में आना, कॉम्पिटिशन करना। जर्मनी हैड कैसर विलियम सेकेंड एज अ न्यू एम्परर। तो कैसर विलियम जो है कि नए एम्परर बनी, ही वेंट अबाउट प्रोक्लेमिंग दैट जर्मनी वॉज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, बना दैट वॉज हाँ। तो इसलिए जो है कि वो प्रोक्लेम करने लगा कि जर्मनी जो है कि वो दुनिया का लीडर बनने वाला है, और वो जो है चाहता भी है कि एक बड़ा सा जो है जर्मन एम्पायर क्रिएट हो। तो ये एक सोच थी मिलिटेंट नेशनलिज्म वाली। फिर उसके बाद आर्मामेंट रेस हुआ, इट वॉज इंटेंस नेशनलिज्म विच टर्न्ड यूरोप इनटू एन असेंबली ऑफ वास्ट आर्म्ड कैंप्स। ये बहुत ही इंटेंस मतलब नेशनलिज्म था, इसकी वजह से सब जो है ना आर्मामेंट वाले रेस में आ गए, सब अपने आप को मजबूत करने में लग गए। ईच कंट्री वेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ। एकदम बिल्कुल हर एक कंट्री जो एकदम दांतों चने चबाने लगी थी, एकदम लग गई थी किसी भी तरीके से कि हमको बिल्कुल इस रेस में आगे रहना है। वॉर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, नए नए आर्म्स वगैरह बनाने शुरू हो गए थे। जर्मनी हैड एक्वायर्ड कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड फ्यू आइलैंड इन द पैसिफिक। पैसिफिक में और अफ्रीका में कॉलोनी एक्वायर करके रखा था जर्मनी ने। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जर्मनी बिगेन करने लगी कि हम अपना वो पावरफुल नेवी बनाए। तो इसके लिए जो है कि और सारे देश वाले चिंता करने लगे और उन लोगों ने भी ये सब शुरुआत कर दिया। स्प्लिट वाला देखो हुआ क्या, 1879 में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी हैड साइंड अ ट्रीटी टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एनिमी अटैक। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी भी एनिमी अटैक में, तीन कंट्रीज में एक दूसरे के साथ देने का वादा कर लिया भाई, साइन कर लिया। तो 3 साल बाद इटली ने भी इसको जो है कि ज्वाइन किया था, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी वाले को, विच केम टू नोन एज ट्रिपल एलियंस। ये ट्रिपल एलियंस था। अब देखो भाई कोई तीन आदमी एक साथ जुट हो गए, तुम अकेले हो तो क्या करोगे, तुम भी भाई दो खोज के लाओगे ना, दो चार को, हम भी चलो ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो इसके अपोजिशन में ट्रिपल एलियंस इमर्ज हुआ, अरे ट्रिपल एलियंस को अपोज करता हुआ इमर्ज हुआ ट्रिपल एंटेंट, और इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इसका बी पार्ट है एक्सटेंड एंड मेथड यूज्ड इन वॉर, की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक्सटेंड क्या था मेथड। एक्सटेंड की बात करें तो इन द अर्लियर वॉर्स द सिविलियन वेयर नॉट जनरली इन्वॉल्व एंड द कैजुअलिटीज वेयर जनरली कन्फाइंड इन द वेयरिंग आर्मीज। अब देखो पुराने जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ठीक है, तो वो जो हुआ करते थे उसमें सिविलियंस को नहीं लिया जाता था, वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। जो भी दुख तकलीफ होती थी भाई वेयरिंग आर्मीज यानी जो कॉम्पिटिशन करने वाले आर्मी, इस पार की आर्मी उस पार की आर्मी, खाली जंग लड़ती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर वॉज अ टोटल वॉर इन्वॉल्विंग ऑल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द वेयरिंग कंट्रीज। अब दो देश, वेयरिंग कंट्रीज मतलब दो कॉम्पिटिटर देश जो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता था, इवन सिविलियन भी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी, सब कुछ। इट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और इससे एंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रभाव पड़ा। द सिविलियन पॉपुलेशन सफर्ड सीवियर कैजुअलिटीज फ्रॉम बॉम्बिंग, बॉम्बिंग वगैरह से जो सिविलियन लोग थे उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, फेमाइंस आए, महामारी आई, एपिडेमिक्स वगैरह। और जो वॉर है इसने क्या लिया, कैजुअलिटीज का मतलब समझते हो ना, जनहानि, है ना, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो महामारी वगैरह आई। तो वॉर ब्रॉट अनटोल्ड माइजरीज, मतलब जिसको माइजरीज का मतलब आप समझते हो कि बहुत ही दयनीय स्थिति टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चीज हुई। तो ये एक्सटेंट था वॉर का, कि वॉर का क्या प्रभाव पड़ा। मेथड तो अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू वेपन वेयर इंट्रोड्यूस, नए नए हथियारों को इंट्रोड्यूस किया गया। मशीन गन एंड लिक्विड फायर वेयर न्यू वेपन, मशीन गन और लिक्विड फायर को इस बार इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट को यूज किया गया था वॉरफेयर में फॉर बॉम्बिंग द सिविलियन पॉपुलेशन, जहां लोग रहते हैं वहां बमबारी करने के लिए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूज ऑफ टैंक विच बिकेम अ मेजर वेपन लेटर, बाद में टैंक का इस्तेमाल जो है कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ और आज भी होता है। सबमरीन जिसको कहते हैं वी बोट, वो भी जो है यूज किया गया था जर्मनी के द्वारा लार्ज स्केल पे। तीन मेथड्स थे। आर्थिक रूप से क्या रिजल्ट हुआ वॉर का, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर। इकोनॉमिकली दिस वॉर प्रूव टू बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वेरी कॉस्टली, यार बहुत बर्बादी लेके आए और बहुत महंगी, है ना, बहुत कीमत चुकानी पड़ी। अबाउट 86 लार्ज एंड स्मॉल नेशन टुक पार्ट इन इट, 86 कंट्रीज नेशन, यू कैन इमेजिन।
टोटल एक्सपेंसेस जो वॉर के थे एस्टिमेट किए गए हैं 18 करोड़ 60 लाख डॉलर। वॉर वॉर ने जो है बर्बाद कर दिया कई शहरों को, कई फार्म्स को, फैक्ट्रीज को, और इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरी तरीके से ट्रेड को। सेकंड क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज पर्सिपेटेड बाई द एसेसिनेशन ऑफ द हेयर ऑफ देयर थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। इन दिस कॉन्स्ट्रैक्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, कि सारा जो वो क्राइसिस क्या था। तो देखो सारा जो वो क्राइसिस क्या था, द गन पाउडर ऑफ द वॉर वॉज गेटिंग रेडी। देखो जो वॉर का जो पाउडर था ना वो रेडी हो रहा था, ठीक है, बारूद धीरे धीरे बन रहा था बहुत लंबे समय से यूरोप में। लेकिन जो मर्डर था ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक का प्रोवाइडेड द स्पार्क विच सेट अप द होल यूरोप अब्लेज। अब्लेज मतलब बिल्कुल जलता हुआ छोड़ दिया, ठीक है, एक चिंगारी। और वो चिंगारी क्या थी? ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक का मर्डर। ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड को मर्डर कर दिया गया इन बॉस्नियन कैपिटल ऑफ सारा जो वो ऑन द 20 जून 28 1914। और द मर्डर वो सर्बियन, कि जहां पे उनका मर्डर हुआ वो है बॉस्नियन कैपिटल है सारा जो वो का 28 जून 1914 को, और मर्डर करने वाला सर्बियन था। तो ऑस्ट्रिया पुट अ ब्लेम ऑन द सर्बियन गवर्नमेंट फॉर दिस क्राइम एंड सेंट एन अल्टीमेटम। वार्निंग भेज दिया ऑस्ट्रिया ने, ब्लेम किया सर्बियन गवर्नमेंट को, सर्बिया ने रिफ्यूज कर दिया है। सर्बिया रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई विद सम ऑफ द कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ वो सर्बिया ने मना कर दिया कॉम्प्लाई करने के लिए। कॉम्प्लाई मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ था, है ना। तो ऑस्ट्रिया ने इसलिए डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट सर्बिया ऑन जुलाई 28 1914 विद इन नो टाइम। और समय नहीं लगा कि यही वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्न हो गई। बी पार्ट है कि व्हाई डिड द यूएसए ज्वाइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूएसए क्यों ज्वाइन हुआ। तो जर्मनी हैड संक, जर्मनी डूब गया। सम अमेरिकन शिप इन विच मेनी अमेरिक, अच्छा जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं डूबा, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। जर्मनी हैड संक सम अमेरिकन शिप इन विच मेनी अमेरिकन हैड टू लूज देयर लाइफ। अब जर्मनी ने डुबो दिया था अमेरिकन शिप्स को, अमेरिकन जहाजों को, जिसमें बहुत सारे अमेरिका के जो थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो दस देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब समझते हो, क्रोध था यूएसए के अंदर। और जो प्रेसिडेंट विल्सन थे यूएसए के, वो डिक्लेयर कर दिए वॉर अगेंस्ट जर्मनी। बदला लेने को सबको होता है, सब ताक में रहते हैं बदला लेने के लिए आज भी। वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। भाई ये तो सेपरेट हो गए थे ना, तो ऑस्ट्रिया हंगरी वेयर ब्रोकन अप एंड टू सेपरेट किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वेयर सेट अप। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है दो सेपरेट किंगडम में बन गए। ऑस्ट्रिया ने सीड किया, ऑस्ट्रिया हैड सीड टेरिटरीज टू सीजेक ओस्लो वेकिया यूगोस्लेविया एंड पोलैंड एज वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देयर इंडिपेंडेंस। ऑस्ट्रिया ने सौंप दिया टेरिटरीज इन तीनों को और उसको जो है मानना पड़ा इन तीनों की आजादी। थर्ड क्वेश्चन है विथ रिफरेंस टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि स्टेट एनी थ्री कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। तीन कॉन्सिक्वेंसेज बताने थे हमको वॉर के, तो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म, उसके बाद आर्मामेंट रेस और स्प्लिट ऑफ यूरोप इनटू आर्म्ड कैंप। तो यही जो है कॉन्सिक्वेंसेस थे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है तो इसको दोबारा से नहीं डिस्कस करना है। फिर मेंशन थ्री पॉइंट अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेज विच अफेक्टेड जर्मनी। तीन पॉइंट ऐसे बताओ जो कि अफेक्ट किया इसको। पहला है वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी मतलब मुआवजा। द ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी फॉर एग्रेशन, कि भाई पहल करने के लिए एग्रेसिव तुम ही थे, आक्रामकता तुम ही ने दिखाई। शी हैड टू पे अ वेरी हैवी सम एस्टिमेटेड $33 बिलियन एज वॉर इंडेमनिटी टू द एलाइज, कि एलाइज कंट्रीज को तुमको 33 बिलियन चुकाने होंगे। अब जर्मनी वॉज टू इवैक्यूएट द प्लेसेस शी हैड कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर, और आपको सारे के सारे जगह भी छोड़ने होंगे जो भी टेरिटरीज आपने एनेक्स की हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सॉरी ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के टाइम में आपने जितने भी कंट्रीज को कैप्चर किया वो सब आपको देना पड़ेगा वापस। फिर इसके बाद राइन वैली, तो राइन वैली वॉज टू बी डीमिलिटराइज, कि यहाँ से सारी मिलिट्री हटा देनी है। जर्मनी कुड नॉट मेंटेन और कंस्ट्रक्ट द राइट बैंक, जर्मनी जो है अब नहीं मेंटेन कर सकती है, नहीं बना सकती है राइट बैंक। मोर ओवर सारा एग्जिस्टिंग फोर्टिफिकेशन यानी कब्जा जो था वो रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड, सबको बर्बाद करना था।
टू गारंटी द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रीटी ऑफ द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन वॉज टू बी ऑक्युपाइड बाई द एलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर्स। तो ये गारंटी के लिए, एग्जीक्यूशन के गारंटी के लिए ट्रीटी, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रीटी। तो हुआ क्या कि इसके गारंटी के लिए जो टेरिटरी थी वेस्ट राइन की, वो ऑक्यूपाई कर लिया गया अलाइड ट्रूप्स के द्वारा 15 साल के लिए, कि ये गारंटी रहेगी कि अब ये कुछ इधर नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वहां का एरिया भी पहले डिमिलिटराइज कर दिया गया। जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज एंड ओवरसीज पोसेशन बिसाइड टेरिटोरियल लॉसेज इन यूरोप। जर्मनी ने सारा कॉलोनी वगैरह खो दिया, ओवरसीज पोसेशन वगैरह जो था समुद्र पार, अपने टेरिटोरियल वगैरह बिसाइड टेरिटोरियल, अपने जमीनी स्तर से के अलावा जो भी था समुद्र पार भी, वो सब भी खो दिया यूरोप में। टोगोलैंड एंड कैमरून, टोगोलैंड और कैमरून जो वेस्ट अफ्रीका में था, उसको भी पार्टीशन किया गया और वो बांट दिया गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, बट गया। और जर्मनीज का जो ईस्ट अफ्रीका था वो भी शेयर हुआ ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में। सी पार्ट है कि व्हाट वेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन अक्टूबर 1945 विद ऑब्जेक्टिव सिमिलर टू दोज ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है नॉट टू रिजॉल्व वॉर, भाई मेंटेन करना है शांति, जस्ट यानी न्याय और ऑनरेबल रिलेशन सारे कंट्रीज के बीच में, मेंटेन करना है स्टेटस क्यो का, दैट इज द सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन की जो एग्जिस्ट करे, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ द पीस कॉन्फ्रेंस। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए टेरिटरीज का जो असाइन की गई है, है ना, नेशन को अंडर द मैंडेट यानी अथॉरिटी दी गई है लीग ऑफ नेशन को, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशन को अक्टूबर 1945 में, और सिमिलर एम्स थे उसके भी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देयर वेयर सेवरल फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत दूर दूर तक इसका प्रभाव पड़ा, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है कि एक्सप्लेन हाउ वर्ल्ड वॉर वन ब्रॉट अबाउट अ चेंज्ड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह से राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ दुनिया का, पॉलिटिकल मैप टू द वर्ल्ड, कह रहा है कि स्पेशली जो यूरोप का था वॉज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर पीस ट्रीटीज, शांति समझौते के बाद जो है कि बिल्कुल बदला। ओल्ड एम्पायर्स लाइक जर्मन, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एंड रशिया, ये शटर हो गए, बिखर गए। मेनी न्यू स्टेट जैसे पोलैंड, फिनलैंड, लेटविया, लिथुनिया और स्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लेविया, ये सब क्रिएट हुए। What did France gain from the Treaty of Versailles? भाई फ्रांस को क्या मिला? तो फ्रांस को जर्मनी ने रिटर्न किया अल्सेक और लोरेन, फिर कंपनसेट करने के लिए फ्रांस को डिस्ट्रक्शन ऑफ हर कोल कॉर्न माइन जो है 1918 AD में उसको पूरा फुल कंट्रोल दे दिया गया था यादों का 15 साल तक के लिए, जिसको सार बेसिन जो है जर्मनी का वो फ्रांस को सुपुर्द कर दिया गया और उसके ऊपर गवर्न करेगा लीग ऑफ नेशन। ब्रिटेन और फ्रांस डिवाइड हो गए थे और शेयर किए थे रीजन टोगोलैंड का और कैमरून का, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया था, डिवाइड कर लिया था रीजन्स टोगोलैंड और कैमरूनस का, जो कि वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है जो पहले जर्मनी के अंडर में था। फिर उसके बाद जर्मनी को सप्लाई करना था ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोयला फ्रांस को, इटली को, बेल्जियम को 10 साल के लिए। सी वाला पार्ट है कि व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का ड्रॉबैक क्या था, हाउ डिड इट लीड टू द अनदर वर्ल्ड वॉर, और लीग ऑफ नेशन की वजह से दूसरा वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। भाई The hope of having a truly world organization devoted to the preservation of peace and independence of the nation were, however, not realized with the formation of League of Nations. अब भाई उम्मीद थी भाई पूरी तरीके से कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये जो बना रहा है, जा रहा है, ये प्रिजर्व करके रखेगा शांति और आज़ादी नेशंस की, और ये रियलाइज किया गया कि इसके फॉर्मेशन से वो मिल नहीं पाया। दो मेजर कंट्रीज जैसे जर्मनी था और सोवियत संघ था, उनको अलाउ नहीं किया गया इसका मेंबर बनना फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक तो भाई तुमको मेंबर बनना ही नहीं है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी लेड टू द वीकनिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अब डिक्टेटरशिप आ गया भाई, तानाशाही इटली और जर्मनी में आ गई, तो इसकी वजह से लीग ऑफ नेशन कमजोर पड़ने लगा और ये फेल कर गया इन इट्स बेसिक ऑब्जेक्ट मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में शांति कायम करने में जो है फेल कर गया। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो लीग है केम टू एंड एज हिटलर कमिटेड एग्रेशन ऑन पोलैंड, और हिटलर ने कमिट किया एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब क्या होता है, आक्रामकता पोलैंड के ऊपर, विच बिगेन द वर्ल्ड वॉर टू। ये वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चला। ये तस्वीर दिखाई जा रही है भाई, एक बंदा है ना यहाँ पे, देखो
बंदूक से शॉट कर दिया, और किसको शॉट किया है ये, तो यही सब सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पिक्चर तो देख लिया आपने, यही है आर्कड्यूक फर्डिनेंड फ्रांसिस। आइडेंटिफाई करो द इवेंट इन पिक्चर एंड स्टेट हाउ इट बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इवेंट क्या है इस पिक्चर में, असैसिनेशन है आर्कड्यूक फर्डिनेंड का, ऑस्ट्रियन प्रिंस थे ये, और ये मर्डर हुए थे या बॉस्नियन कैपिटल ऑफ, मर्डर हुए थे कहाँ पे, बॉस्नियन कैपिटल ऑफ साराजेवो में 28 जून 1914 को, एंड मर्डरर वॉज अ साइबेरियन। दस ऑस्ट्रिया ने पुट किया ब्लेम साइबेरिया के ऊपर, और साइबेरिया ने रिफ्यूज कर दिया, हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता है। कंसिक्वेंटली ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर, किसके खिलाफ, सर्बिया के खिलाफ, और ये रिजल्ट हुआ वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर में इसका एंड अप हुआ, मतलब इसी ने पहल दी, ठीक है, इसकी पहली किसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सून जो है कि सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई। स्टेट थ्री अदर कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो मिलिट्री नेशनलिज्म, आर्मामेंट रेस और स्प्लिट ऑफ यूरोप, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तीन कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। मेंशन एनी थ्री क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, ये भी यार पहले से ही हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी एक बार रफली, कि राइन वैली जो है कि वो डिमिलिटराइज हो गई, जर्मन टेरिटरीज जो वेस्ट राइन की थी ऑक्यूपाई की गई ट्रुप, एलाइड ट्रुप्स के द्वारा, जर्मनी ने सारा कॉलोनी वगैरह खो दिया है ना, जो विक्टोरियस एलाइज थे उनके हाथों, ब्रिटेन बेल्जियम साउथ अफ्रीका पुर्तगाल के, और जो जर्मनी आर्मी थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि फोर्स रहेगा 1 लाख सोल्जर, और नेवी जो है 15,000 मैन और 24 शिप तक रहेगी, और जो एयरफोर्स और सबमरीन थी इसको बैन कर दिया गया। तो आई थिंक ये आपको मदद करेगा अगर आपको रिवाइज करना होगा तो, और जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उनके लिए भी ये है कि वो पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।